ऐसी कौम है, मैं बार बार कहता हूँ कि उंगली मत करो, अगर ये जाग गया तो बहुत देश में बहुत बुरा होगा, तांड होगा। सरकार से हमारी ये मांग है कि ये जो हमारे देश के माहौल खराब करते हैं लोग, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। मजहब के लोगों पर किसी ने पत्थर फेंका तो आप उसको मुसलमान घोषित करोगे, ये क्या है? लीडरशिप को मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी को भी सोचना पड़ेगा कि उन्हें सही लीडरशिप की भी आवश्यकता है। ये लोग इस चीज को, ये गलत पैगाम हमारे हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। इनसे अल्लाह अल्लाह ताला जाओ वही दुनिया से खत्म हो जाएंगे जो भी ये भाईचारा खत्म करेंगे। मोहम्मद ना होते तो हम भी ना होते, मोहम्मद के बिना कुछ नहीं है, ना बच्चे ना घर ना जर ना जोरू ना इज्जत ना शोहरत। हमें नहीं लगता बिल्कुल भी आप डरे हुए नहीं नहीं डरे हुए, किस किस चीज से डरे हुए? हम कर देते हैं कि गोली खाएंगे आप, लाठी खाएंगे आप, डंडे खाएंगे आप, केसेस करवाएंगे आप, नेता बोल रहे हैं। यहाँ एक नहीं हो पा रहे छोटे से प्रोग्राम में जंतर मंतर पर, तो हम सारे मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को एक करने चले। अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। टाइम्स में खुश आमदेद, मैं हूँ समी मुनवर। हिंदुस्तान में बार बार कुछ धर्म गुरुओं के द्वारा जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जाती है, और ये पहली बार नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में इससे पहले भी कई सारे पंडित, कई सारे धर्म गुरु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर चुके हैं, उसको लेकर अलग अलग जगहों में पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाती है। उसी को लेकर आज जंतर मंतर पे कई सारे लोग, कई सारे संगठन के लोग आज मौजूद है, और जंतर मंतर पे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरह से गुस्ताखी की जाती है, ऐसे लोगों को सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो अब सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं और किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शायद उसी का नतीजा है कि ये चीजें बार बार बढ़ती जा रही है। चलिए हम लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग इस चीज को, ये गलत पैगाम हमारे हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। इनसे अल्लाह अल्लाह ताला जाओ वही दुनिया से खत्म हो जाएंगे जो भी ये भाईचारा खत्म करेंगे। सर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी है, सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही है। देखिए सरकार कार्रवाई भी करती है, सब कुछ होता है, पर आपको भी कहीं ना कहीं ये पता है ये चीजें वोट लेने के लिए होती है। अगर सख्ताई से कार्रवाई की जाएगी तो वोट कम जाएगा सरकार का, तो इसलिए ये धर्म में टारगेट करते हैं। सर आंदोलन से आपकी सरकार से क्या मांग है, किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? हम केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि ये जो हमारे देश के माहौल खराब करते हैं लोग, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए जल्द से जल्द। ऐसे जो लोग होते हैं ये कहीं शोहरत पाने के लिए जब इनको अटेंशन नहीं मिलता है तो इस तरह से जो बोलते हैं इस्लाम है टीआरपी नंबर वन टीआरपी ऐसा हमारे जो हमारा इस्लाम है सब ये सोचते हैं इसमें चले जाए उसमें चले जाए मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा, पर मुसलमान सिर्फ उसके साथ है जो मुसलमान के साथ है। सर क्या बोलेंगे जिस तरह से हिंदुस्तान में बार बार किसी धर्म गुरु को लेकर टिप्पणी की जाती है, गलत बात की जाती है, लेकिन सरकार भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखिए जैसा कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ कोई पॉलिटिकल या राजनीति वाला ये धर्म प्रदर्शन नहीं है। ये जो है ये हमारे जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, ये जो उनकी गुस्ताखी की गई है और जिसने की है, जिनका नाम मैं अपनी जबान से ले भी नहीं सकता, नापाक नाम है, जो कि ऐसे बोल उन्हें नहीं बोलने चाहिए, और ऐसे शख्स की सिर्फ जगह जेल हो सकती है जो कि हमारे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब जो संस्कृति है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी नज़र में ये लोग साधु संत या महंत नहीं हो सकते, ये वो लोग हैं जो भगवे कपड़ों में एक भेड़िए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ और सच बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और हमारे देश की सरकार और हमारे राज्य की सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो मार्गदर्शक बनकर सिर्फ देखते रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी कि इससे पता ये लगता है कि आपको आपके धर्म को और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, मुझे कोई हक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी देवी देवताओं को, धर्म गुरु को या पैगंबर को बुरा कहने का। जितना देश इन लोगों का है उतना देश मेरा भी है।
तो इस तरह की जो टिप्पणी बार बार की जाती है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी कहीं ना कहीं सरकार है जो इसकी कार्रवाई नहीं कर पा रही है बार बार? बिल्कुल सरकार है, आप पत्रकार हो, जानते हो सारी बात। आखिरकार इन लोगों को इतनी जो ताकत है कौन दे रहा है? क्योंकि मैं आपके ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ, कुत्ता जब ज्यादा भौंकता है जब उसका मालिक पीछे खड़ा हो। तो इनको संरक्षण देने वाली सरकार है योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, पॉलिटिकल धर्मों में है। इस वक्त जो है हमें एक होने की जरूरत है, क्योंकि मोहम्मद ना होते तो हम भी ना होते। मोहम्मद के बिना कुछ नहीं है, ना बच्चे, ना घर, ना जर, ना जोरू, ना इज्जत, ना शोहरत, ना दो जहां। हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जगह जगह हर चीज पर मुसलमान को दबाया जा रहा है। और मुसलमान, देखिए, मुसलमान कोई कमजोर नहीं है, मैं कोई आपके इस पर भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा। मुसलमान कमजोर नहीं है, मुसलमान सिर्फ अपने देश में अमन चाहता है। मुसलमान इस देश को, ये हमारा देश जो चमन है, इसकी खूबसूरती बिगाड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मुसलमान एक ऐसी कौम है, मैं बार बार कहता हूँ कि उंगली मत करो, अगर ये जाग गया तो बहुत देश में बहुत बुरा होगा, तांडव होगा। तो आपको लग रहा है कि जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ शोहरत के लिए कर रहे हैं, जब उनको कोई अट्रैक्शन नहीं मिलता, टेंशन नहीं मिलता, तो इस तरह की हरकत? देखिए, आप मेरा नाम भी जानते हो, मुझ पर 17 केस लगाए गए थे। सिर्फ मैंने बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध किया था, आरएसएस की गलत नीतियों का विरोध किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आरएसएस जो एक संगठन है, वो उसकी विचारधारा गलत है, ऐसे संगठनों पर बैन लगाना चाहिए। तो मुझ पर 17 केस हुए थे यूपी में। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का, जो उन्होंने मेरे केसों को खत्म कराए। यानी इससे पता ये लगता है कि अगर आप अपनी हक की आवाज उठाओगे और अब बोलोगे, सच बोलोगे, तो बीजेपी को और आरएसएस वालों को बर्दाश्त नहीं है। मगर अगर मैं जब तक जिंदा रहूंगा सच कह बोलता रहूंगा, सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। सरकार जिस तरह वक्त बोर्ड बिल ला रही है और ये कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए बिल ला रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सरकार की जो मंशा है वाकई वो सही है या फिर कोई और मंशा है? सबसे पहले आपके दर्शकों को अधिकारी जी, अभी मुझे लगता है कि जब ये सरकार ये कहती है कि हम वोट पे जो बिल संशोधन करके ला रहे हैं आपके लिए फायदेमंद है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय को और जो अलग से राइट्स दिए गए इस देश में, उन राइट्स को एक एक करके खत्म करना। देखिए, खत्म करने का तरीका सिर्फ यही नहीं है कि आप उनके घरों पर बुलडोजर चलाएं, उनके सारे राइट्स को छीन लीजिए, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लीजिए। क्योंकि हो क्या रहा था, मुस्लिम समुदाय अपने समाज, अपनी कौम के लिए सड़कों पर आता था, संघर्ष करता था, लड़ने के लिए खड़ा हो जाता था। लेकिन जब उन्हें दिखा कि भाई इससे भी नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा इनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लो जो है। तो इसलिए सरकारी बिल लेके आ रही है, साथ में अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो दिखाई देता है कि जो धार्मिक गुरु हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली जाती है, जो मुस्लिम लीडरशिप अपने अपने समाज की आवाज को उठाना चाहती है तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि दलित और मुस्लिम एकता होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति देश में ना बने। तो उनका ये भी कहना है कि जब इतनी बड़ी संपत्ति है तो केंद्र की सरकार का या केंद्र का कोई दखल जरूरी है, कि इतनी बड़ी संपत्ति जो तीसरे नंबर पे आती है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इतनी बड़ी संपत्ति है तो सरकार का कुछ तो हो इसमें। देखिए, सरकार को इससे क्या लाभ होगा? क्या दिल्ली, मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर इतने मंदिर है, देश के अंदर इतने सब मंदिर का कब्जा कर लेना, फिर मंदिरों को क्यों नहीं करेगी? सिर्फ मस्जिदों पर, मस्जिदों का जो वोट जमीनों पर करेगी है? क्यों? क्योंकि आपको एक विशेष समुदाय को टारगेट करना है। कभी क्या नाम है, नकाब के नाम पे, तो क्या कहते हैं उसे, मैं थोड़ा बुरका के नाम पे कभी लाएंगे, और कभी पत्थरबाजी के नाम पे मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कभी किसी चीज को लेकर आएंगे। इनका एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार बात करते हैं, इसकी सियासत ही हिंदू और मुस्लिम पार्टी की है। और जो एक धर्म विशेष की सरकार होती है वो दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं हमेशा कमजोर करने की कोशिश करती है ताकि वो सत्ता में बने रहे। आज इस देश का मुस्लिम 26 करोड़ के आसपास मुस्लिम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि 26 करोड़ में कोई एक अच्छा लीडर नहीं है। क्या एक लीडर लड़ रहा है, क्यों नहीं उसे नेतृत्व देते? मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप, जब तक आज मुस्लिम समुदाय की इस हाशिए का कारण मुस्लिम लीडरशिप है, क्योंकि अगर आज मुस्लिम लीडरशिप उनके पास होती है अपनी, जैसे ओवैसी साहब हैं, इतनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ऐसी लीडरशिप होती तो शायद क्या ऐसी स्थिति बनती?
दलितों की जब लीडरशिप तैयार हो गई तब लोगों की हिम्मत कम हुई कि उनके साथ कोई गलत कर सके, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय के पास अपनी लीडरशिप नहीं है और वहाँ पर वो दूसरे की तरफ देखते हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप को मुस्लिम कम्युनिटी को भी सोचना पड़ेगा कि उन्हें सही लीडरशिप की भी आवश्यकता है इस समय। चाहिए मैं कहता हूँ मुल्क हिंदुस्तान की तो जगह जगह बल्कि पूरे दुनिया में होनी चाहिए बात कि ये मजहब के लोगों पर किसी ने पत्थर फेंका तो आप उसको मुसलमान घोषित करोगे, ये क्या है? और अगर किसी ने कुछ यात्रा जुलूस जाने वालों पर किसी ने कोई दंगा किया है, दंगा भड़काने की कोशिश की, तो आप उनको हिंदू घोषित कर दोगे या क्रिश्चियन घोषित कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, मजहब के लिहाज से नहीं, धर्म के लिहाज से नहीं। देखो उन लोगों को जिसने अपराध किया, जो शांति को भ्रष्ट करने की बात करते हैं, जो नहीं चाहते कि शांति हो, वो लोग किसी मजहब से नहीं, वो गुंडे हैं, वो अपराधी हैं, वो अपराधी है, वो गुंडे हैं, जो कहीं भी हो, बहराइच का मामला हो, कोई भी मामला हो, मैं बात कहूँगा कि उनको मजहब से ना जोड़ो बल्कि उनको गुंडे घोषित करो, उनको अपराधी घोषित करो और सख्त से सख्त सजा दो, ताकि और लोग भी ऐसे ना निकल पाए कि हर तीसरे दिन कोई भी आता है कुछ भी कर देता है आपस में प्यार मोहब्बत से। जो हिंदू मुसलमान लोग ऐसा करना चाहते हैं कि कोई भी सवाल ले आते हैं, में भी जो है एक मंदिर को घेर लिया गया था मुसलमानों के द्वारा, देखो जा रही थी क्या अगर किसी मंदिर पर घेराव किया जाता है, किसी मंदिर का घेराव किया जाता है या मस्जिद का किया जाता है या गुरुद्वारों का किया जाता है या गिरजाघरों का किया जाता है, वो जो घेरा करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो अपराधी है। अगर उनका ऐसे ही बगैर किसी कोई मिशन है तो ठीक है, लेकिन अगर बगैर मिशन के ऐसे ही आ जाते हैं और ऐसे ही भाईचारे को ख़त्म करने की बात करते हैं या दंगा बर्पा करने की बात करते हैं तो वो अच्छे इंसान है। बहराइच करने के पीछे किसका हाथ हुआ, कौन करा रहा है? देखो प्रशासन का फेल्यूर मानते हैं, किसकी फेल्यूर है? हम प्रशासन को नहीं कहेंगे, प्रशासन का फेल्यूर नहीं, हम नहीं कहेंगे, हो सकता है कोई और टीमें ऐसा बिल्कुल नहीं। और पुलिस के दंगा हो गया, सब यात्रा निकाली गई, उसके बाद जो है फिर वहाँ दंगा हो गया। आप एक बात बार बार जो जहन में भी आते हैं मुसलमानों के भी और कम्युनिटियों के भी, जब से बीजेपी आई मुसलमान को दबाया जाता है, डराया जाता है, हर चीज ऐसा नहीं भाई, कब है ऐसा? क्यों आपको नहीं और जो हमें नहीं लगता बिल्कुल भाई, आप डरे हुए? नहीं नहीं डरे हुए, किस चीज से डरे हुए बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल अगर बगैर जांच और पड़ताल के इनकाउंटर किया तो गलत किया, जाहिर सी बात, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं पूरा भी अच्छे से, अगर किया है नहीं, राम राज की बात तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा ये चीजें कोई नई नहीं, इससे पहले भी वो क्या नाम उसका नरसिंह सिंह, उससे पहले बोल चुका था फिर रामगिरी, तो ये लोग तो बोल रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर। देखिए आपने तो नाम लिया, मैं उस मरदूत का नाम भी नहीं लेना चाहता जिसने मेरे आका मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी गुस्ताखी की है, जिनकी पूरी दुनिया पूरा दो जहां सम्मान करता है। अरे कम से कम आप लोग उनको पढ़ो तो सही, आप उनकी हकीकत पहचानिए कि वो थे कौन, मोहम्मद कौन थे। मोहम्मद नाम जो है एक ऐसा नाम है जिसको कोई लालच नहीं किसी चीज का, मोहम्मद एक ऐसा पैगाम है भाईचारे का, इंसानियत का, जिन्होंने हमेशा एकता की मिसाल भाईचारे का संदेश दिया, कभी उन्होंने लौट के जवाब नहीं दिया, कभी किसी पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, वो नाम है मोहम्मद। मैंने कहा ये लोग साधु संत नहीं हो सकते, साधु संत वो होते हैं जो ईश्वर की अल्लाह की भगवान, जिन्हें हम अल्लाह भगवान कहते हैं, जो खाली उसकी आराधना में भक्ति में लग जाए। ये लोग भगवे में छुपे हुए भेड़िए हैं जो कि सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसे कैसे रोका जाए आपके अकॉर्डिंग, कौन ऐसा रास्ता होगा जो इन लोगों को इस तरह से रोक दिया? देखिए रोका जाएगा, पहली बात तो मुझे यहाँ बुलाया गया था, कैफ जो मेरा छोटा भाई है उसने मुझे कॉल किया, चंद्रशेखर भाई की भी कॉल पहुंची। आप यहाँ देखिए जब तक हम एक सफ में खड़े नहीं होंगे और मजबूत नहीं होंगे, मैंने यहाँ देखा कि अलग अलग गुटबाजी है, जब हम यहाँ एक नहीं हो पा रहे छोटे से प्रोग्राम में जंतर मंतर पर, तो हम सारे मुसलमानों को दुनिया के मुसलमानों को एक करने चले। अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, चाहे वो जाति और चाहे वो सैफी हो, कोई भी हो, किसी बिरादरी से हो, ये मोहम्मद साहब का सवाल है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल मंच है। नहीं नहीं मैंने कहा ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये उनकी नजर में पॉलिटिकल होगा, मेरी नजर में मैं जिस हिसाब से आयु मैं सिर्फ अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई है सिर्फ मैं उनकी वजह से आया हूँ और उनके नाम पर मेरी जान भी कुर्बान। क्या मांग रहे सरकार से, क्या मांग? सिर्फ मांग यही है कि शरारती तत्व है ये जो ऐसे बयान दे रहे हैं,
हैं इन पर लगाम लगाना चाहिए और जो हमारे देश का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है ऐसे लोगों का कंडम करना चाहिए और इन पर हमेशा हमेशा के लिए चाहे बजरंग दल हो चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो इन संगठनों पर हमेशा हमेशा के लिए बैन लगाना चाहिए। तो इसका खुलासा ये हुआ कि सरकार की मंशा इसके पीछे स्पष्ट नहीं है। अगर हम बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में जिस तरह का जो मामला उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए बहराइच में तो मैं खुल के कई बहुत सारे मीडिया हाउसेस को मैं इस बात की एंट्री दे चुका हूँ, टीवी चैनल्स को भी मैंने बयान दिया कि बहराइच में कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। बहराइच की घटना का समर्थन ऐसे नहीं, आपकी क्या आप किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, इस देश का संविधान आपको ये राइट नहीं देता आप किसी की छत पर उतरे उसका धार्मिक झंडे को उठाएं और फैलते और अपना झंडा लगा दें। चलिए वो भी बात आपकी हो गई, लेकिन आपको ये भी राइट कोई नहीं देता कि आप किसी मस्जिद या मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाएं और वहां पर उनके खिलाफ अनाप शनाप गालियों वाले गाने शुरू कर दें, यानी उनकी भावनाओं को हाथ करें। इस देश ये देश लोकतंत्र से चलने वाला है, इसमें हिंदू भी इतना बराबर का भागीदार है, मुसलमान भी इतना भागीदार है, सिख भी और ईसाई, ये देश सभी का है, समता मूलक देश, तो इसमें सबके बराबर के राइट है। तो ये राइट आपको कभी नहीं मिलता कि आप किसी जाति या विशेष धर्म को जाके वहां पर गाली दें, टारगेट दें। अगर ऐसी कोई करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बहराइच की घटना में हुआ उल्टा। एक तरफ तो आप जाके आपकी यात्रा के माध्यम से वहां पर जो शरारती तत्व वो जाके वहां पर एक विशेष समुदाय को गालियां देते हैं, उन्हें धार्मिक उनका उत्पीड़न करते हैं, सामाजिक उत्पीड़न करते हैं, उसके बाद उनके घरों पर चढ़ के उनके धार्मिक झंडे को उठाकर फेंक देते हैं। यानी दंगे की शुरुआत किसने करवाई? आपने, यानी उन्हीं लोगों ने शुरुआत करी और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी वही लोग खेलते हैं। तो विक्टिम कार्ड खेलने बाद क्या सरकार क्या करती है कि एक पक्ष पर कार्रवाई करती है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती जिन्होंने शुरुआत करी। कार्यरत प्रशासन को यह चाहता जो लोग ये कार्रवाई कर रहे थे उस समय उन्हें पकड़ दी और ठोस कम पर वहीं लटक जाती तो किसी की हिम्मत थी। लेकिन हमने बहुत सारे वीडियोस ऐसी भी देखी जहां पर जब पत्थरबाजी होती है तो मीडिया पुलिस के जो लोग होते हैं वो उन लोगों की तरफ खड़े होते हैं, वहां से पत्थरबाजी होती रहेगी और वो वीडियो बनाते हैं एक विशेष समुदाय की तरफ कि जहां पर जालीदार टोपी दिखाई देती मिलती, चाहे बार कहना पसंद नहीं करता लेकिन कहना पड़ता, जहां पर जालीदार टोपी दिखेगी उस जालीदार टोपी की तरफ वीडियो बनानी शुरू कर देंगे और ये कहेंगे कि पत्थरबाज सिर्फ मुसलमान है और जो हिंदूवादी संगठन जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको कौन दिखाएगा। वहां पर प्रशासन के लोग वोट वीडियो बना रहे होंगे दूसरे पक्ष में, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी सरकार की। सरकार क्या करेगी? जितना भी काम करेगी, जितने भी वो केसेस रजिस्टर करेगी किनके खिलाफ करेगी? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। कितने किन के घर टूटेंगे? मुस्लिम समुदाय। पूरा परिवार जब कई साल मेहनत करता है तब एक घर बना पाता है, अगर एक बार में बुलडोज कर दिया। आपने प्रशासन की बात की, आपको नहीं लग रहा है कि इस मामले में पुलिस यूपी पुलिस ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उसका एनकाउंटर किया, तो आपको नहीं लग रहा है कि पुलिस उस सच्चाई को छुपाना चाह रही थी? देखिए मैंने आपको क्या बताया, प्रशासन किसके अंडर होता है? सरकार के अंडर। सरकार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार। योगी क्या कहता है? आपको कब्रिस्तान चाहिए या मंदिर, ये कहता है ना। तो वो के लिए कहता भाई मुझे दूसरे धर्म से नफरत है, दूसरे में तो वो पहले कह रहा कब्रिस्तान चाहिए आपको, मंदिर चाहिए, तो लोग मंदिर में खुश हो गए ना, वो एक धर्म विशेष की लड़ाई लड़ रहे ना। और जब एक धर्म विशेष का अगर कोई नेता वहां पर बैठा हुआ सत्ता में तो वो दूसरे भी धर्म को कैसे आगे बढ़ने देगा? तो वहां प्रशासन की सिर्फ प्रशासन को लगाम कौन लगाता है? सरकार लगाती ना, लेकिन सरकार उन्हें ढील दिया तभी तो ये घटना हो रही है। अगर सरकार लगाम लगाती तो क्या कोई इसको कार्रवाई कर सकता था? क्या एनकाउंटर कर सकता था? इस देश में क्या इस देश को आजादी के लिए क्या मुसलमानों ने अपनी होती नहीं दी? अभी भी जब 1962-63 और 71 की जब लड़ाई हुई क्या मुसलमानों ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या सेना में मुस्लिम नहीं है तो आपकी उनकी कुर्बानियों को कैसे कम कर लेंगे कि बस एक उसके वो कर लेंगे? यानी 10% लोग इसी सारे राष्ट्रवादी हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस देश में 10% लोगों ने एक मानसिकता बनाई हुई है। क्या मानसिकता? अगर मुसलमान है तो आतंकवादी है, सरदार है तो खालिस्तानी है, और आदिवासी है तो नक्सली है, और जो दलित है वो अरबन नक्सली है। यानी इस देश का 90% समुदाय को उन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी और उग्रवादी बना दिया है। बाकी ये जो एक विशेष जाति के लोग हैं, समर जाति के बारे में कहता हूँ, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, ये लोग जो है ये कौन आते हैं? राष्ट्रवादी। यानी 10% 90% लोगों को मूर्ख बना के राज कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार कहता हूँ उस मूर्खता के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, आप और हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग अपना सही नेतृत्व बना नहीं पाए।
और हमने हर बार उनको सत्ता में पहुंचा दिया। अगर आज मैं बार बार कहता हूँ मुस्लिम समाज का अपना नेतृत्व होता, मुस्लिम समाज के अपने नेता होते तो क्या ऐसी स्थिति बनती? एक व्यक्ति मुझे दिखता है, मैं रेल की बता रहा हूँ, मैं कभी उससे मिला इतना, एक बार मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, कभी किसी कारण उन्होंने जोड़ने की बात कही थी, लेकिन मैं उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, वो व्यक्ति मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए लड़ना चाहता, मरना चाहता है, असदुद्दीन ओवैसी, वो मैंने देखा। लेकिन क्या मुसलमान उसे अपना नेता मानते हैं? दलित समाज की आज मैं बार बार कहता हूँ कि दलित समाज आज जो ऊपर आया ना, ऊपर नीचे से ऊपर आया, उसका मुख्य कारण यह रहा क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप पैदा करी। मायावती एक चारवा सीएम रही सूबे की, इसी तरह अब चंद्रशेखर का भी नाम आता है, इसी तरह और बहुत सारे नेता हैं, प्रकाश राव अम्बेडकर है, बाबा मेशवान, इस तरह की लीडरशिप पैदा हुई ना, तो क्या हुआ उनके उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई। लेकिन अगर यही लीडरशिप अगर मुस्लिम समुदाय भी तैयार कर दे तो कोई करेगा? अरे जब आपका लोकसभा में एक शोर गरजेगा तो सौ की पटलों गीली होती या नहीं होती? अगर वहीं पर आपके दस होंगे तो क्या होगा? और इसी तरीके से मैं कहता हूँ जिस दिन दलित और मुस्लिम, मैं बार बार इस बात को दलित समुदाय से भी कहता हूँ, मुस्लिम समुदाय से भी कहता हूँ, मुसलमानों ने अपनी ईमानदारी दिखाई है, उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाया, एक दलित समुदाय की महिला को मुख्यमंत्री बनाया, क्या दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अगर दिल्ली के अंदर 13% मुस्लिम है, मैं बता दूं इस देश का जो कहता है 12.60 के आसपास जो है तकरीबन मुस्लिम समुदाय है दिल्ली में, और 11.78 है सिर्फ एक जाटव समाज, जाटव बात करो, एक जाति दलित समाज को, और बाकी की दलित जातियों को मिला लो तो वो 20% से ज्यादा आती है, तो 5% वाल्मीकि समाज है और छोटे छोटे जाते हैं, तो अगर 20% और 13% एक हो जाए तो कितना हुआ? 33%। वोटिंग कितने पे होती है इस देश में, यानी दिल्ली की सियासत का मुख्यमंत्री कितना बनता है? टोटल वोटिंग 60%, 50-60%, 33% वोटिंग आपकी है, उसके बावजूद भी आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। अगर ये दोनों एक हो जाए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर दलित और मुस्लिम ईमानदारी के साथ में हो जाए, अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सीएम बना सकता है दलित को, तो अगर दिल्ली का दलित ईमानदारी से काम करे, एक मुसलमान को मुख्यमंत्री दिल्ली में बना दे, तो आपसी भाईचारा बढ़ जाएगा, और ये भाईचारा बढ़ेगा तो याद रखिएगा आपके नेता भी पैदा होंगे और आप ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। आपके कहने का खुलासे हुए कि मुस्लिम क्यादत, मुस्लिम लीडरशिप कमजोर है, आपके अकॉर्डिंग कैसे क्या करनी चाहिए मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो जाए? मुझे ये लगता है कि जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो नया युवा है उसे आगे आना चाहिए। होता क्या कि ये चीज हमने अपने समाज में भी हमने लोगों ने देखा, जो हमारे धार्मिक गुरु है ना, हमारे धर्म गुरु, वो चाहते मित्र उनके हाथ में रहे, यानी जो युवा है उससे कहा जाता है तू दरी बिछा, तू झंडे उठा, तू लाठी खा, तू गोली खा, लेकिन नेतृत्व में मत ले। ये हमने तमाम समाज में देखा है, ये दलित समाज में भी लीडरशिप में ऐसा होता है, ये मुस्लिम समुदाय में भी होता है, ये सिखों में भी होता है, सभी में होता है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है युवाओं को आगे आने की आवश्यकता, युवाओं को अब कहना पड़ेगा कि बस अगर आपसे ईमानदारी से काम होता तो आपने कर लिया होता, बता दिया थे आप, यानी अगर आप आज हमारा अगर शोषण सबसे ज्यादा रहा तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप ऐसी सरकारों को बार बार बनवाते हैं, तो अगर लीडरशिप लानी है तो इन्हीं युवाओं में से बीच में आना पड़ेगा। आप सोचें कि बाहर से आके आपके घर को कोई साफ करेगा? पॉसिबली है, अगर गंदगी आपके घर में है तो गंदगी को साफ भी आपको खुद करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला आपको सफाई नहीं करेगा। हम दोनों मिलकर दलित मुस्लिम एकता के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप तो तैयार करनी पड़ेगी ना। अरे कब तक दूसरों की दरिया भी छाओगे? मैं बार बार कहता हूँ कब तक गुलामी करोगे? समय आ गया एक नई युवा यूथ की लीडरशिप तैयार हो, जब वो मिलेगी, आपस में बैठेगी, एक दूसरे के दर्द को समझेगी, तब हम इस देश में कुछ नया लाभ पाएंगे। मुस्लिम और दलितों को एक साथ करने और एक इत्तेहाद बनाने का काम कौन करेगा? दोनों समाज के युवा नेता, मैं कहता हूँ नेता नहीं करेंगे। नेता तो क्या चाहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ नेता क्या चाहता है, पहले वो नेता बना रहा, फिर उसका बेटा नेता बना रहा, फिर उसका पोता भी नेता बनेगा, मैं नेता तो वहीं रह गया ना। गोली खाएंगे आप, लाठी खाएंगे आप, डंडे खाएंगे आप, केसेस करवाएंगे आप, नेता वो रहेगा। तो जब तक युवा लीडरशिप नहीं आएगी फिर बदलाव नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ युवा लीडरशिप आनी चाहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।